इधर टिहरी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, जहां बूढ़ा केदार के तिनगढ़ गांव में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। आपको बता दें कि 15 घरों में मलबा भर चुका है। सबसे राहत की बात यह कि गांव के लोग पहले ही मकानों को खाली करके जा चुके थे, इससे एक बड़ा हादसा टल गया। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद थी और आप देखिए कि कैसे ये भीषण लैंडस्लाइड हुई। भूस्खलन से 15 घरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन ये भूस्खलन का खतरा आगे भी बना हुआ। ये कब भूस्खलन हो जाएगा, कब यहां से मलबा नीचे की ओर जाने लगेंगे और कितने घर इसकी चपेट में आ जाएंगे, इसका अंदाजा किसी के पास। सबसे राहत की बात कि अभी जो भूस्खलन हुआ है इसमें किसी तरह से जनहानि कोई नहीं हुई। लोगों को सामानों का नुकसान जरूर उठाना पड़ा, लेकिन लोगों की जाने बच गई। बड़ी बात यह भी है कि प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है ताकि लोगों तक राहत पहुंचती रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात, आने वाले वक्त में कहां और कितने हिस्से में भूस्खलन हो जाएगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा। ये उत्तराखंड की टिहरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर टिहरी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, जहां बूढ़ा केदार के तिनगढ़ गांव में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। आपको बता दें कि 15 घरों में मलबा भर चुका है। सबसे राहत की बात यह कि गांव के लोग पहले ही मकानों को खाली करके जा चुके थे, इससे एक बड़ा हादसा टल गया। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद थी और आप देखिए कि कैसे ये भीषण लैंडस्लाइड हुई। भूस्खलन से 15 घरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन ये भूस्खलन का खतरा आगे भी बना हुआ। ये कब भूस्खलन हो जाएगा, कब यहां से मलबा नीचे की ओर जाने लगेंगे और कितने घर इसकी चपेट में आ जाएंगे, इसका अंदाजा किसी के पास। सबसे राहत की बात कि अभी जो भूस्खलन हुआ है इसमें किसी तरह से जनहानि कोई नहीं हुई। लोगों को सामानों का नुकसान जरूर उठाना पड़ा, लेकिन लोगों की जाने बच गई। बड़ी बात यह भी है कि प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है ताकि लोगों तक राहत पहुंचती रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात, आने वाले वक्त में कहां और कितने हिस्से में भूस्खलन हो जाएगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा। ये उत्तराखंड की टिहरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।